वेलकम टू स्ट्रक्चर बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड। इससे पहले भी हमने इसके हार्मोन्स पढ़े थे, दैट वाज सिक्रीटेड बाय द जोना ग्लोमेरुलोसा रीजन ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। ठीक, आज जो हम हार्मोन्स पढ़ेंगे वो भी एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन्स होंगे, बट वो किसके हार्मोन्स होंगे? That would be the hormones of zona fasciculata. Zona fasciculata. कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था zona glomerulosa. That secreted the hormone that was known as the mineral corticoids. ठीक, यहाँ पे zona fasciculata जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उन हार्मोन्स को हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक। दैट मींस ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं बॉडी के अंदर। अगर हम नाम पे जाएंगे, ग्लूको मींस ग्लूकोज, ग्लूको मींस ग्लूकोज, कॉर्टिको मींस कॉर्टेक्स, पॉइड जो मींस स्टीरॉइड। यानी ये वो स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं जो सिक्रीट करता है कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड एंड विच रेगुलेट्स द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। That is why these hormones are known as glucocorticoids, right? इसकी जो example है, glucocorticoid की जो example है, that is known as the cortisol. एक hormone जो है, जो हमारी body में glucose की level को बरकरार रखता है या glucose की level को regulate करता है, that hormone is known as cortisol. So cortisol is glucocorticoid, ठीक? तो जोना फैसिकुलेटा जो मिडल वाला पार्ट रीजन है कॉर्टेक्स का, जो दूसरा मिडल वाला रीजन, वो सिक्रीट करता है ग्लुकोकॉर्टिकॉइड को। वो ग्लुकोकॉर्टिकॉइड का जो एग्जांपल है उस हार्मोन को हम कहते हैं कॉर्टिसोल। ये एग्जांपल है ग्लुकोकॉर्टिकॉइड की, एग्जांपल जो हार्मोन है दैट इज उन्होंने कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल ही ग्लुकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक, जो ग्लूकोज की लेवल को क्या करता है? रेगुलेट करता है, ठीक। सो अगर हम फंक्शनल देखेंगे, कॉर्टिसोल की फंक्शनल को देखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम फंक्शन देखेंगे कॉर्टिसोल की, फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल, फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल करता क्या है? मैंने पहले ही कहा कि ग्लुकोकॉर्टिकॉइड, तो ऑब्वियसली करेगा क्या, ये ग्लूकोज की लेवल को रेगुलेट करेगा। सो हमें यहां पे लिखूंगा इट रेगुलेट्स, इट रेगुलेट्स द ग्लूकोज लेवल, इट रेगुलेट्स द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, इट रेगुलेट्स द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ये ग्लूकोज की लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक। आपको पता है ज्यूरिंग कब करेगा, कब ये ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाएगा? ये ग्लूकोज की लेवल को तब बढ़ाता है जब हमारी बॉडी में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो यहां पर मैं मेंशन करूंगा इट रेगुलेट्स द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड ड्यूरिंग, ड्यूरिंग इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस आता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, उसको टैकल करने के लिए ग्लूकोज की लेवल का तो इंक्रीज होना जरूरी है ताकि हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। इसीलिए ग्लूकोज की लेवल को हमारे ब्लड में क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो ये तो रेगुलेट करता ही है, बट रेगुलेट में ही इंक्रीज करता है, ग्लूकोज की लेवल को ब्लड में बढ़ाता है ताकि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को टैकल कर सके, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इट इंक्रीजेस, तो रेगुलेट तो ये करता ही है। रेगुलेट के बाद मैं लिखूंगा यहां पे रेगुलेट में क्या करेगा, इट इंक्रीज, यूजुअली इंक्रीज करता, डिक्रीज नहीं करता, इट इंक्रीज,
इट इंक्रीजेस क्योंकि ड्यूरिंग से ट्रांसफर सिचुएशन हमने ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है, सो इट इंक्रीजेस ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। जब ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज होगी ब्लड के अंदर, तो हम इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को क्या करेंगे, हैंडल कर पाएंगे। अब ये ग्लूकोज की लेवल को कैसे बढ़ाता है, आपको पता है हमारे बॉडी में ग्लूकोज जो है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में। हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है, सिटार से ब्रेक डाउन होता है या कुछ और कोई स्वीट चीजें खा दे तो हमारी ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ती है और वो एक्सेस ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता है किसमें, इनटू ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होंगे तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड होते और एक ब्रांचेड स्ट्रक्चर बनाते, क्योंकि ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा ब्रांचेड होता है। ठीक, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो किसको बनाते हैं, ग्लाइकोजन को। कहां पे ये प्रोसेस होती है, लिवर के अंदर ये प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस कहां पे होती है, लिवर के अंदर ये प्रोसेस होती है। ठीक, सो ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता है इंटू ग्लाइकोजन, इंटू कहां पे ये प्रोसेस होती है, लिवर में। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ग्लूकोज का कन्वर्ट होना किसमें, ग्लाइकोजन में। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक, अब यही ग्लाइकोजन जो है वापस कन्वर्ट भी होता है किसमें, ग्लूकोज में। जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज की लेवल डिक्रीज होती है, तो ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोजिनो मीन्स ग्लाइकोजन का ब्रेक, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक, इस तरह से ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज होती है। ठीक, बट कॉर्टिसोल जो है ये ग्लाइकोजन को ब्रेक नहीं करता है और ग्लूकोज की लेवल को नहीं बढ़ाता, इस तरह से नहीं करता है, बल्कि ये कैसे ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाता है, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स या एमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स, यूजुअली पहले फैटी एसिड्स कन्वर्ट करता है, अगर फैटी एसिड्स बॉडी में नहीं होती है तो ये किसको कन्वर्ट करता है, अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, न्यू मीन्स न्यू, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं था, बल्कि ये नया मॉलिक्यूल हमारी बॉडी ने प्रिपेयर किया। ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड हुए थे तो किसको बनाया, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ही ब्रेक हुआ तो ग्लूकोज बन गया, वो ऑलरेडी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ही बॉडी में थे। बट जब हम नया कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल बॉडी में प्रिपेयर करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो कॉर्टिसोल करता क्या है, कॉर्टिसोल ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाता है।
कैसे? नॉट बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस बट बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। सो यहां पे हम लिख सकते हैं, इट इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल, कॉर्टिसोल इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग स्ट्रेस सिचुएशन बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की लेवल ज्यादा होगी तो हम इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को क्या करेंगे, टैकल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो बाकी फंक्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।